दोस्तों नमस्कार प्रणाम। आज दिन 11 मार्च 2022, आज जानते हैं फल मंडी में फलों का क्या बाजार रहा, क्या पोजीशन है। सबसे पहले चलते हैं और फल मंडी का पोजीशन आपको बताते हैं। दोस्तों अब आगे हैं पपीता मंडी में, जानते हैं पपीते का आज का क्या बाजार है, क्या पोजीशन है। जो नेचुरली पकेते हुए या 3 क्वालिटी के पपीते हैं उनका क्या पोजीशन है, जानते हैं। मिलते हैं फुकरान जी से, उन्हीं से जानेंगे आज पपीते का क्या बाजार है। चलते हैं देखते हैं, फुकरान जी थोड़े से व्यस्त चल रहे हैं, उन्हीं को डिस्टर्ब करते हैं, उन्हीं से पोजीशन फटाफट लेते हैं। अरे गुड मॉर्निंग फुकरान भाई, नमस्कार। फुक बताइए भाई साहब। भाई साहब शुक्रवार का दिन है और मंडी में थोड़ा माल ज़्यादा है। ये देखिए गाड़ी के पक्के हैं, नेचुरल पके हुए पपीते हैं, नॉट केमिकल यूज। इसका रेट 35 रुपये का है। और इधर आ जाओ, ये मोटा साइज इसी में का है गाड़ी के पक्कों का, ये 30 रुपये के हैं। ये 2 नंबर है, देखो ये लगा रहा है लड़का, ये 10-15 रुपये किलो बिक रहे हैं। और पट्टी वाले इधर लग रहे हैं, देखिए इधर देखिए, ये पट्टी वाले हैं, 20 से 25 का रेट है उनका। हाँ जी, शादी ब्याह के ऑर्डर में सिर्फ यही चलता है माल, बिल्कुल लाल तरबूज से ज़्यादा लाल पपीते, हल्दीराम की मिठाई से बढ़िया पपीते, नंबर वही है। दोस्तों ये थे बुकरान जी, जिन्होंने पपीते का सही सही पोजीशन दे दिया। आप जानते हैं दूसरे फलों का पोजीशन। दोस्तों ये भाई साहब हैं, जैसा मैं आपको बताता रहता हूँ, हलवा पूरी का बढ़िया से प्रबंध करके रखते हैं और बढ़िया से लोगों को हलवा पूरी खिलाते हैं। मंडी में देखिए कैसे भाई साहब चौकी पे बैठ के आराम से प्यार से हलवा पूरी पार रहे हैं, ठीक है। देखिए ये बच्चा है, रोज हलवा पराठे खाने के लिए इन भाई साहब के पास आता है और ये इसको फ्री में रोज खिलाते हैं। अब दोस्तों रोज की तरह आप जानते हैं सेब का पोजीशन, अंगूर का पोजीशन। हमारे लालू भाई थोड़े से बिजी हैं, व्यस्त हैं, तो उन्हीं से जानते हैं आज का मार्केट का क्या पोजीशन है। थोड़े से कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन इनको करने दीजिए, अपने व्यस्त समय में से निकाल के हमें समय देते हैं, क्योंकि सुबह के समय में ज़्यादा दुकानों पर भीड़ रहती है, तो कोशिश होती है कि इन लोगों को थोड़ा सा डिस्टर्ब करके 1 मिनट का समय लिया जाए। लालू भाई थोड़ा सा बता दीजिए फटाफट पोजीशन। हाँ जी फटाफट ही बोलेंगे सर, ये 1250 रुपये का है 1.25 नंबर। इसके बाद में 1700 रुपये का जुआई का भाई साहब, 20 किलो एप्पल है 1700 रुपये का। इसके बाद में ये कल का थोड़ा सा मेरे पास बैलेंस है 1650 रुपये का। इसके बाद में ये भी मेरे पास बैलेंस है एक बक्सा जुआई वालों को 1550 रुपये का। इसके बाद में ये 1.25 नंबर निशान वाला 1450 रुपये का। आओ अब आपको मैं अपने गोदाम में ले जाता हूँ। ये भाई साहब ये जुआई वालों को सेब है 1650 रुपये का, वजन 20 किलो सेब, सेब 125 दाना। इसके बाद में ये 125 दाना बिल्कुल ओपन है, माल बहुत बढ़िया है, जूसी सेब है, ये भी जुआई वालों का है 1650 रुपये का सर, ठीक है जी। दोस्तों ये थे हमारे लालू जी, जिन्होंने मंडी में एक ही झटके में सारे सेब का पोजीशन हमें बता दिया है। अब जानते हैं हाजी बाबा एंड फूड कंपनी के पास, जो आज अंगूर है, अंगूर का क्या बाजार है, जरा इन्हीं से जानते हैं कि आज क्या पोजीशन है अंगूर का। दोस्तों आज सेब का भी पोजीशन के साथ अंगूर का भी पोजीशन हाजी बाबा एंड कंपनी के तरफ से लालू भाई ही बताएंगे। सेब की पोजीशन आज शुक्रवार है, ताज़ी गाड़ी कोई नहीं आई है भाई साहब। अच्छा जी बाजार गिरे हुए 500 रुपये से लेके 600-650 रुपये तक के बाजार हैंगे भाई साहब। कल भी हमने ताज़ी गाड़ी के माल भी हमने 700 रुपये के बेचे हैं भाई साहब, 20 किलो माल माल 700-750, आज हम 550-600, वजन 20 किलो, हाजी बाबा एंड कंपनी। थैंक यू दोस्तों, ये थे हाजी बाबा एंड कंपनी का सेब और अंगूर का अपडेट। किसी भी भाइयों को डायरेक्ट संपर्क करना हो तो ये है इनका शॉप, डायरेक्टली इनके यहाँ विजिट करके होलसेल में ख़रीदारी बढ़िया क्वालिटी बढ़िया रेट पे कर सकते हैं। धन्यवाद। दोस्तों अब बात करते हैं मौसमी का,
और किन्नू का क्या बाजार रहा इन्हीं भाई साहब से जानते हैं। मौसमी का थोड़ा हल्के क्वालिटी का है 36 रुपये किलो, और ये जो अभी आपके सामने है ये थोड़ा बहुत बेहतरीन माल है, ये है 40 रुपये किलो का। जी जी बहुत बढ़िया माल है, ये हैदराबाद से आया है और बहुत बढ़िया माल है, ये एक नंबर की मौसमी है। किसी को भाइयों को अपना दुकान का पता और मोबाइल नंबर फिर से? दुकान का पता है चौक नंबर 115 राजधानी फ्रूट कंपनी ओखला सब्जी मंडी न्यू दिल्ली। मोबाइल नंबर है 9873633579। धन्यवाद। चल लग रहा था अपना किन्नू का भी हाँ जी, अपना किन्नू भी बहुत बढ़िया किन्नू है, आज का रेट है 22 रुपये किलो, बहुत बेहतरीन माल है ये। किन्नू बेचारे आप 2-4 दिन के मेहमान रह गए हैं, अब जिस भाई को लेना हो जल्दी जल्दी अपना ले जाएं, बहुत जल्दी। जी शुक्रिया। तो ये थे राजधानी फ्रूट एंड कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव, जिन्होंने हमें किन्नू और मौसमी का पोजीशन बताया। अब लगे हाथ हम आपको पाइन एप्पल का भी पोजीशन बताते हैं। दोस्तों अब जानते हैं पाइन एप्पल का क्या बाज़ार है, क्या सिचुएशन है। भाई साहब मिल गए हैं, थोड़े से फुर्सत के लम्हों में आज दिख रहे हैं, फ्राइडे होने की वजह से इन्हीं भाई साहब से जानते हैं। आज का पाइन एप्पल का रेट 35 है, 35 रुपये का बाज़ार। दाने का उधर 1.5 किलो से लेकर 2 किलो तक। दोस्तों 1.5 किलो से 2 किलो जैसा कि भाई ने बताया इसका बाज़ार है 35 रुपये किलो का। किसी भी भाइयों को संपर्क करना हो तो डायरेक्टली भाई से संपर्क कर सकते हैं राजधानी फ्रूट एंड कंपनी में। धन्यवाद। अब दोस्तों बात करेंगे गन्ने की, गर्मी आई है तो गन्ने की जूस, अपना देसी पुराना भारतीय जूस है, गन्ना का जूस पिए सेहतमंद रहें। ये जो गन्ने है गन्ने का भाव चचा से पता करते हैं। दोस्तों आज ताऊ से जानते हैं गन्ने के खासियत, गन्ने के क्वालिटी के बारे में। हल्की हल्की सुबह ठंड है तो ये चाय की चुस्की के साथ हैं, यही बताएंगे कि गन्ने के पोजीशन के बारे में, क्वालिटी के बारे में। ये गन्ना जो है 36 नंबर गन्ना है, इससे अच्छा जूस नहीं होता किसी गन्ने का। अच्छा। ये इसी मंडी में मिलता है और नहीं मिलता। अच्छा। और कोई 19 काना पाना ले पड़े कहीं गोदाम वोदाम कर रखे, ये गन्ना सबसे उच्च क्वालिटी का होता है। अच्छा, इसका नाम है 36 नंबर। 36 नंबर। अच्छा। इससे अच्छा गन्ने का जूस बनता नहीं। पीछे कहाँ से आई है ये? ये मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर से। हाँ जी। भाइयों को किसी को भी होलसेल खरीदारी करना हो, आज का गन्ने का क्या भाव है जी? आज का है 650 रुपये। 650 रुपये 36 नंबर। 36 नंबर एक नंबर का गन्ना। अपना मोबाइल नंबर दीजिए और दुकान का पता बता दीजिए। दुकान नंबर 206 जी, ओखला मंडी जी, और मोबाइल नंबर है हमारा 7983-79-1220। ठीक है। ये थे हमारे चाचा जी जिन्होंने गन्ने के खूबी बताया दर्शकों। ये जो गन्ना दिख रही है 36 नंबर का गन्ना है, मुजफ्फरनगर यूपी से है, भारत का बेस्ट गन्ना के रूप में ये फेमस है। इसका से सबसे उम्दा क्वालिटी की इसमें जूस निकलती है। तो गर्मी आ गई है, गन्ने का जूस पिए सेहतमंद रहे। हालांकि अंकल जी खुद चाय पी रहे हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि गन्ने का जूस का भी प्रबंध किया जाए। धन्यवाद। दोस्तों आप बात करेंगे अनार की, कि आज मंडी में अनार का क्या पोजीशन है, क्या भाव है, भाई से जानते हैं, यही भाई बताएंगे कि आज अनार का क्या पोजीशन है। हाँ भाई गुड मॉर्निंग, बता क्या पोजीशन है आज का बाजार? अनार का डिब्बा बिक रहा है 800 रुपये का, ये 8 दिन पहले बिक रहा था 1000 रुपये का, पॉल्यूशन डाउन हो गई है, 200 रुपये डिब्बा कम हो गया है, 800 रुपये। 10 किलो भोजन, 10, 10.5, 11। बढ़िया क्वालिटी में, कौन सी अनार क्वालिटी है ये? गुजरात है। गुजरात है। हाँ जी। ये नासिक वाला है। इसका क्या बाजार है भाई? ये 1000 रुपये का डिब्बा है। अच्छा अच्छा, नासिक वाले की खूबी क्या है भाई? इसमें दाना मोटा निकलता है अंदर। अच्छा अच्छा। खाने में भी अच्छा होता है, मीठा। और कौन सा क्वालिटी है भाई? नीचे देख रहा हूँ, ये कौन सा क्वालिटी? ये नीचे जूस वालों का माल है। इसका क्या बाजार है भाई? ये 30 रुपये किलो। अपना मोबाइल नंबर फिर से बता दे दर्शकों को। 9560-39-70-15। धन्यवाद। दोस्तों कभी भी होलसेल में अनार की खरीदारी करना हो ओखला मंडी से, इस भाई से संपर्क कर सकते हैं, ये अनार हमेशा रखता है। धन्यवाद भाई, लोगों को सेहतमंद बनाने के लिए। दोस्तों अब बात करते हैं फलों के राजा आम को। आम मंडी में दस्तक दिया है,
पहली बार हमें तोता आम दिखा है, ये दक्षिण भारत से आती है और ये सफेदा है। जानते हैं बादशाह भाई साहब से, जैसे फलों का राजा आम वैसे मंडी का राजा बादशाह भाई। बादशाह भाई बताएंगे आज आम का क्या पोजीशन है। आम 900 रुपए का, 850 रुपए का बिक रहा है आम। हाँ, वजन 9 किलो है, कम बिक रहा है, दुकानदारी नहीं है। किसी भी भाई अपना दुकान का पता मोबाइल नंबर बताइए। 99-110-75-941। धन्यवाद दोस्तों। ये थे बादशाह जी, जिनके पास आम है तो आम की खरीदारी करना हो तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अब बात करेंगे संतरे का बाजार के बारे में, संतरे के पोजीशन के बारे में। काफ़ी दिनों के बाद ये भाई साहब दिखे हैं आज। बाकी दिन तो इनसे मिलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आज मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। इन्हीं से जानते हैं आज संतरे का क्या बाजार है। जी भाई, संतरे का मीडियम वाले संतरे का रेट है 205 दाने का है 25 रुपये, 191 दाना 30 रुपये, 171 दाना 40 रुपये और 141 दाना 55 रुपये। भाई किसी को अपना दुकान का पता बता दो, अब मोबाइल नंबर फिर से दे दो। स्टार फ्रूट कंपनी, ओखला सब्जी मंडी, नई दिल्ली। मोबाइल नंबर है 9958423168। थैंक यू भाई। भाई ये थे स्टार फ्रूट एंड कंपनी से, जिन्होंने हमें संतरे के सारे क्वालिटी के बारे में जानकारी दी। थोड़े से आज ये फुर्सत के लम्हों में है ये सब के सब, आज सुबह सुबह थोड़ा सा आनंद ले रहे हैं। यूजली हमें ये बैठे हुए नहीं मिलते हैं, आज इनका लम्हा है बैठने का, आज इनको आनंद लेने देते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अब बात करते हैं अंगूर के, फिर से पोजीशन लेते हैं भाई से। भाई वैसे तो अमरूद के साथ रहता था, आज भाई ने अमरूद, क्योंकि अब आवक कम है तो भाई भी आ गया है अंगूर के साथ। भाई जरा बताओ अंगूर का क्या बाजार है आज का। भैया बाजार बहुत तेज चल रहे हैं। क्या है भाई? भाई जो अंगूर का बाजार चल रहा है वो आज बहुत तेज है, क्योंकि आज अंगूर के कम होने की वजह से बाजार में 100-100 रुपये की बढ़ोतरी है। सफ़ेद अंगूर जो है वो 800 रुपये से लेकर 1100 तक बिक रहा था, आज 900 रुपये से लेकर 1200 तक का रेट है, जिसमें 20 किलो वजन आता अंगूर। और जो काला अंगूर है वो तुम्हारा 800 रुपये से लेके 1200 तक बिक रहा था, आज 1000 रुपये से लेके 1400-1500 रुपये तक के रेट है काले के। तो आज बाज़ार में अंगूर की में तेज़ी है। ठीक है भाई, और बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भाई। दोस्तों ये थे भाई जिसने हमें अंगूर का, जो बढ़िया क्वालिटी का अंगूर है उसका भी पोजीशन बता दिए। संतरा भी हो गया है, आप जानते हैं, सेब भी हो गया है, पाइनएप्पल भी हो गया है, रेट का है भाई? अब जानते हैं दूसरों फलों के बारे में पोजीशन लेते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं तरबूज का, तरबूज की गाड़ी लग गई है आज। हमारे भाई साहब तरबूज लेके बैठे हैं, भाई साहब से जानते हैं तरबूज का आज का क्या बाजार है। इन्हीं भाई साहब से जानते हैं आज तरबूज का क्या बाजार रहा। 15-16 रुपये बिक रहा। 15-16 रुपये बिक रहा है जी। कहाँ से आया है भाई साहब ये? आंध्रा से आया है। आंध्रा से आया है। एक बार अपना नाम और मोबाइल नंबर दर्शकों को बताइए, कोई को होलसेल के लिए संपर्क करना हो तो आपसे संपर्क कर सके। हैदर खान नाम है जी। मोबाइल नंबर है 7027065251015। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे हैदर भाई, जो तरबूजे के होलसेल के व्यापारी हैं। कभी भी आपको होलसेल में तरबूजे की खरीदारी करना हो तो हैदर भाई से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अब जानते हैं किन्नू का क्या बाजार है, क्या पोजीशन है इन्हीं भाई साहब से। गुड मॉर्निंग भाई साहब। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज किन्नू का क्या बाजार है। आज किन्नू का बाजार है 24 से लेके 26 तक। हाँ, मार्केट डाउन है, मार्केट में ग्राहक नहीं है, क्योंकि सब जश्न मना रहे हैं बीजेपी जीतने की खुशी में, सब अपने जश्न में लगे हुए हैं, ग्राहक मार्केट में नहीं है। और ये खुशी है कि बीजेपी आई है तो अब हो सकता है कि भाड़े में अब कुछ कम हो जाए, तेल में गिरावट आए, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी सरकार है जो तेल वेल पे सब पे ध्यान देती है। और इंशाअल्लाह ताला अब ये पूरा ध्यान देगी और 15-20 रुपये लीटर पे डीजल कम होगा और भाड़ा फिर हमारा भी कम होगा। जब भाड़ा कम होगा तो फिर जनता को फायदा होगा, फल मंदा हो जाएगा अपने आप। ठीक है, ये जरूर डालना।
दोस्तों ये थे जिन्होंने सरकार से एक निवेदन भी इनका मानिए, अगर इलेक्शन के व्यस्तता से सरकार को फुर्सत मिल गया हो तो थोड़ा सा डीजल पे ध्यान दें ताकि हमारे व्यापारी किसान और देश के लोगों को फायदा हो। दोस्तों ये बिलाल जी एक ट्रक माल संतरे लेके आए हुए हैं, माल में थोड़ी सी आज ये बिक्री में कमी देखी गई है, तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संतरे खाएँ, सेहतमंद रहें। अब मोहम्मद बिलाल भाई से संपर्क करें, ये रहे हमारे बिलाल भाई, बिलाल भाई से संपर्क कर सकते हैं, बिलाल भाई ने आप लोगों को नंबर दिया है, होलसेल में संतरे ले सकते हैं इनसे। दोस्तों अब बात करते हैं जो बढ़िया किनू का क्वालिटी आता है, ये भाई साहब हमेशा बढ़िया क्वालिटी के ही किनू रखते हैं, इन्हीं से जानते हैं आज बढ़िया क्वालिटी के जो दाने हैं उसका क्या बाजार है। भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। भाई बाजार बताओ भाई। बाजार अभी सपोर्टेड, ये जो यूपी का चुनाव का जो काउंटिंग था इसका रिजल्ट और आने वाला त्यौहार होली की वजह से कुछ मार्केट डाउन है। जो किन्नू 40 रुपये किलो बिक रहा था वो आज 35 रुपये किलो बिक रहा, जो 35 रुपये किलो बिक रहा था वो 30-32 रुपये किलो बिक रहा। ये दो चार दिनों मार्केट डाउन हुआ और आगे भी उम्मीद है कि डाउन ही रहेगा क्योंकि होली के बाद ही फिर मार्केट खुलेगा फिर से, यही उम्मीद है कि होली के बाद मार्केट निकले सही, बट अभी जो है दो चार दिन से डाउन चल रहा है। तो दोस्तों इलेक्शन के बाद से थोड़ी सी सुस्ती देखी गई है मार्केट में और इन व्यापारियों का कहना है कि शायद ये बाज़ार की बनावट होली तक ऐसे ही रहेगी, तो तब तक फल ज़्यादा से ज़्यादा फल खाएँ, सेहतमंद रहें, नेचुरली फल खाएँ। अब जानते हैं लगे हाथ अमरूद भाई साहब के पास है, इनके पास जानते हैं इनसे अमरूद का क्या बाजार है, काफ़ी दिनों के बाद ये मिले हैं, यूजली हमेशा ये बिजी रहते हैं। भाई साहब नमस्कार, बताइए आज अमरूद का क्या बाजार है। अमरूद 300 से 500 रुपए तक बिक रहा है। 300 से 500 का करेक्ट, वजन क्या है भाई साहब? 20 किलो। 20 किलो। दोस्तों ये है मंडी में आज अमरूद का पोजीशन, ये भी किसका भी पोजीशन आज बड़ा हल्का है। दोस्तों अब बात करेंगे चीकू का, जो चीकू का आज का बाजार है वो होलसेल में 10 किलो की पेटी 300 रुपये में। दोस्तों लगे हाथ आपको सोचा है वीएनआर अमरूद का भी पोजीशन बता दें, तो वीएनआर अमरूद का पोजीशन है आज 700 रुपये का वजन 10 किलो पेटी में। पीछे ये थाईलैंड से आ रही है अपने देश में, अपने देश के किसानों से निवेदन करना चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वीएनआर अमरूद के पौधे लगाएं, वीएनआर अमरूद की खेती करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएँ, धन्यवाद। अब दोस्तों लगे हाथ जाते जाते आपको सोचा नारियल पानी का पोजीशन बता दूं इसी भाई साहब से। हाँ भाई राम राम, क्या हाल है? राम राम जी। क्या है नारियल का पानी का पोजीशन आज? नारियल का पानी पोजीशन है 38 रुपये। 38 रुपये, थोड़ी सी तेजी दिख रही है, क्या बात है? तेजी हो रही है, माल महंगा है, माल पीछे से बहुत कम आ रहा है। अच्छा अच्छा जी, शॉर्टिंग है माल की बहुत, ठीक है भाई, इस करके माल कम है। तो दोस्तों ये था नारियल का पोजीशन। अब भाइयों से निवेदन है जिन्होंने भी चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया, ज़्यादा ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और इसी तरीके से मंडी का इन्फॉर्मेशन घर बैठे पाते रहें, धन्यवाद।